नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव गाजीपुर के कान्हा हवेली में संपन्न हुआ, जिसमें कुछ 257 वोटरों ने अपना मत डाला। दोपहर के बाद चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें नागमणि मिश्रा 200 मत पाकर अध्यक्ष बने, वही 164 मत पाकर ब्रजकिशोर उपाध्यक्ष बने, ब्रजेश कुमार पांडे 156 मत पाकर महामंत्री बने, 205 मत पाकर वीरेंद्र नाथ यादव कोषाध्यक्ष बने और 104 मत पाकर देवेंद्र प्रताप सिंह संयुक्त मंत्री के लिए चुने गए। इस बात की घोषणा आजमगढ़ से आए हुए चुनाव प्रभारी रंजन राय ने किया। मेरा नाम रंजन राय है, मैं आजमगढ़ जनपद का जिला कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का महामंत्री हूँ और ऑल इंडिया का डीआईसीडी का सदस्य हूँ। गाजीपुर का जो परिणाम रहा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अध्यक्ष पद के लिए नागमणि मिश्रा 200 मतों से प्राप्त विजयी हुए, उपाध्यक्ष पद के लिए ब्रजकिशोर जी 164 मतों से प्राप्त विजयी हुए, महामंत्री पे ब्रजेश कुमार पांडे 156 मतों से विजयी घोषित हुए, उपकोषाध्यक्ष से वीरेंद्र नाथ यादव 205 वोट से विजयी घोषित हुए, संयुक्त मंत्री पे देवेंद्र प्रताप सिंह जो है 191 वोट से विजयी हुए। निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। मैं गाजीपुर जनता के समस्त बंधुओं को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष चुनाव था हम लोगों का साथ दिया। आज ये चुनाव की प्रक्रिया विजयी घोषित करने के बाद यह समाप्त। हमारी प्राथमिकता जो पहले थी आज भी है कि केमिस्ट हित का कार्य हो और किसी भी केमिस्ट बंधु को कोई दिक्कत ना हो, जब भी उनको कोई परेशानी उसके लिए मैं उपलब्ध रहूं, यही है हमारी कामना और यही मेरा प्रयास है। और यही इसी काम की वजह से मुझको आज विजयश्री मिली है और इससे भी अच्छा प्रयास करने का मैं प्रयास आगे करूँगा। चुनौती जब प्रत्याशी मैदान में होता चुनौती महत्वपूर्ण होती ही है और चुनौती बहुत टक्कर की थी, लेकिन जनता का प्रेम मेरे साथ रहा। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पुनः चुना। मैं उनके उम्मीदों पर और उनके प्रयासों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा।